समुद्र पृष्ठ से लगभग 13,700 फीट की ऊंचाई पर बोमडिला तवांग रोड पर स्थित सेला पास से कुछ ही दूरी पर स्थित है सेला झील। हिमालय की पर्वत चोटियों से घिरी यह झील प्रकृति की एक अनुपम सुंदरता का उदाहरण है। पास के साथ ही तवांग के दिशा में राजमार्ग होकर जाने से मिलता है सेला लेक यानी सेला झील। गर्मियों में भी इसका एक अलग ही रूप और सौंदर्य प्रकट होता है जो हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। उस समय झील का नीला पानी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पेड़ पौधे हीन इन जड़ जड़ पहाड़ के सीने में रहे इस छोटी सी झील के नीले रंग का पानी कुदरत की हिम शीतल स्पर्श से जमकर हो जाता है कठिन बर्फ। जब हम सेला झील पहुंचे तब यहाँ सर्दी का मौसम था, लिहाजा सेला झील की पानी बर्फ के चादर में तब्दील हो गई है। लेकिन गर्मियों में यहाँ का स्थिति बिल्कुल अलग होती है। अभी हमारे आसपास की पर्वत श्रृंखलाएं बर्फ से ढकी हुई है, चल रही ठंडी हवाएं हमारे शरीर को चुभ गई है। बताइए तो ये लेक का बारे में। ये लेक हम लोग का जो पहले 1962 से आगे ये जिला बोलता था हम लोग इसको जी। तो अभी जो 1962 का बाद जो जसवंत सिंह का साथ में जो लड़ाई हुआ उस समय में हमारा एक लड़की था जो सेला नाम से जाना जाता था, एक लड़की था नूरा नाम से जाना जाता था उसको। अभी बाद में फिर ये 62 का बाद जिला से इसको सेला बोला जाता है क्योंकि यहाँ वो लड़की का नाम से रख दिया हम लोग का जो इंडियन आर्मी लोग ने जिला जी। और ये लेक जो अभी आप लोग देख रहे हैं इसी का नाम से मतलब रख दिया वो लड़की का नाम से ये जिला। और अभी ये जो ये देख रहा है आप लोग बर्फ जो देख रहा है जी ये बहुत रिस्की है जो आदमी लोग आता है खेलता है ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी भी टूटने का चांस रहता है ये चीज़। तो मतलब टूट जाने से मतलब बचने का कोई चांस नहीं जी। तो ये टूट जाने का तो कोई बचने का चांस नहीं आप लोग खुद देख रहे हैं। और इसमें ज़्यादा देर भी खड़ा रहने का नहीं, इसमें मजाक चीज़ जो है कुछ भी करना नहीं है, मजाक चीज़ जो है करने का कोई है नहीं इसमें। तो इसलिए कभी भी टूट सकता है गिर सकता है। और इसमें गंदा चीज़ फेंकने का नहीं है हम लोग का और पत्थर उत्थर मारने का नहीं है। अच्छा। ये तो पूरा देवता का चीज़ है, ये सब साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। ये आदमी को ये बात जानना चाहिए सभी को, सभी टूरिस्ट लोग जो आता है उसको ध्यान से मानना चाहिए। बिल्कुल गंदा नहीं करना है कुछ, अभी जो एक दो पत्थर फेंका हुआ है ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई, बिल्कुल भगवान का जगह है यहाँ में कुछ खराब काम किया मतलब आपको भी तकलीफ हो सकता है, ये मौसम भी खराब हो जाएगा, ये अंधेरा हो जाएगा, ऐसे मानता है हम लोग, ये लोकल आदमी। अभी जैसे ये धूप जलाया हम लोग जी, देखिए उधर जी वो सब ये लगाया, ये भगवान का ये सब लगाया हम लोग, ये सब तो इसको जो इसी को मान के लगाता है हम लोग जी, ये चीज़ है मैंने हम लोग का मुँह पकड़ नियम से। नहीं सही बात है, जो परंपरा होता है जो रेस्पेक्ट होता है आप लोगों के लिए ये भगवान है तो बाकी लोग जो आते हैं यहाँ पे उन लोगों को भी ये मान के चलना चाहिए। अभी जैसे हम लोग यहाँ खड़ा है एक्चुअली हम लोग का देखिए यहाँ से अंदर ही नहीं आना चाहिए जहाँ अभी फेंसिंग लगा के रखा जी, लेकिन हम लोग जबरदस्त घुस जाता है ये डेंजर काम हो रहा है जी, इस तरह का नहीं करने से ठीक है जी जी। बहुत जोरों की हवा, घना कोहरा जैसे बादल से घेरे बर्फ से समेटे सेला झील का सौंदर्य सोच से भी परे है। इस झील के चारों ओर पैदल घूमकर परिक्रमा करने का सुगम अवसर भी है।
तवांग की यात्रा कर रहे कोई भी यात्री या फिर किसी भी सैलानी इस सेला झील के पास पल भर के लिए थम कर भी इस झील की खूबसूरती का दीदार करते हैं। मैदानी इलाकों से आने वाले पर्यटक यहां आकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और तेज गर्मी से राहत भी पा सकते हैं। यहां होने वाली अचानक बारिश की फुहार या ठंडी हवा आपको निश्चित रूप से बहुत पसंद आएगा।